अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया मौज़म एंड वेलकम टू माय प्रोग्राम इंस्पिरेशन बाय आलिया मौज़म। पर्सनल ग्रूमिंग में आज हम बात करेंगे मेकअप की, जो हर लड़की को शौक होता है। हर लड़की चाहती है कि वो मेकअप करे। कुछ लड़कियां होती हैं, ऐसी भी होती हैं जो मेकअप को नहीं पसंद करती, लेकिन मोस्टली लड़कियों की यही ख्वाहिश होती है कि वो मेकअप करें। जब खासतौर पे बड़ी हो रही होती हैं बच्चियां, तो उनको डिफरेंट तरह के मेकअप को इस्तेमाल करने का शौक होता है। लाइनर्स आजकल चल रहे हैं, विंग लाइनर्स चल रहे हैं, वो लगाने का शौक होता है, लिपस्टिक्स लगाने का शौक होता है। तो मेकअप में आज मैं आपको जो टिप बताऊंगी वो है स्पेशली फॉर यंग गर्ल्स, वो गर्ल्स जो अभी ग्रोइंग एज में हैं, जो बड़ी हैं, जो मेकअप करना स्टार्ट करती हैं। मेकअप में आजकल बच्चियां जो हैं, लाइक स्कूल गोइंग बच्चियां होती हैं, उनको बहुत शौक़ होता है मेकअप करने का। मदर्स जो होती हैं वो क्योंकि नहीं चाहती हैं कि बच्चियां छोटी उम्र से मेकअप करें, उनकी शक्ल पे मतलब एक पुख्तगी आ जाती है, तो वो मदर्स उनको डिस्करेज करती हैं। अब करना क्या चाहिए आपको इसमें, इसको किस तरह से, इस चीज़ को एक अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए जिससे बच्ची भी आपकी फ्रस्ट्रेट ना हो और उसको ये ना लगे कि उस पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ आ रही हैं और उसका मेकअप का शौक़ भी पूरा हो। तो उसमें कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि आप मस्कारा का उसको परमिशन दे दें कि आप मस्कारा लगा सकती हैं इस पर, ठीक है। उससे ये होता है कि लाइक इट इज़ अ नेचुरल थिंग और वो मस्कारा लगाती है, उसकी आईलैशेस बड़ी प्यारी सी लगती हैं, शी लुक्स गुड, तो वो उसका मेकअप का शौक पूरा हो जाता है। उसके अलावा आप उसके हेयर स्टाइलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, उसको डिफरेंट ब्रेड्स बनाने का आइडियाज़ दें उसको, लाइक समटाइम्स कभी वो हेयर स्ट्रेट भी कर ले, कभी वो लूज कर्ल्स जो होते हैं जिस तरह वो स्ट्रेटनर के साथ जो आप करते हैं वो कर सकती हैं बच्चियाँ। मेकअप में बच्चियों का एक मल्टी स्टिक आजकल मार्केट में आई हुई है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन आ रही हो रही है और बड़ी मज़े की चीज़ है। वो आप बच्चियों को लेके दे सकती हैं। उससे क्या होता है कि लाइक वो हल्का सा ब्लश के तौर पे भी वो यूज़ कर सकती हैं, वो एज़ लिप कलर भी यूज़ कर सकती हैं उसको। तो दैट इज़ फॉर लाइक मल्टी पर्पज़। लेट मी शो यू, जैसे ये है, ये एक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मल्टी स्टिक, ये इसका ये कलर है, पिंक सा कलर है, बट इट इज़ एक्चुअली अ नेचुरल पिंक कलर। जब आप लगाते हैं तो ये बिल्कुल नेचुरल सा आता है, तो एक हल्का सा लिप्स पे वो एक पिंकिश सी टोन आ जाती है, इसी तरह आपके चीक्स पे भी पिंकिश सी टोन आ जाती है। तो इसको आप ब्लश ऑन के तौर पे भी यूज़ बच्चियाँ कर सकती हैं और लिप टिंट के तौर पे भी यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा लिप ग्लॉस हैं वो बच्चियाँ यूज़ कर सकती हैं। और जैसे कि मैंने आपको मस्कारा बताया, मस्कारा का, लेकिन ये ज़रूर बच्चियों को बताएं कि मस्कारा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज है, उनके आईलैशेस ये ना हो कि मेकअप का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करें कि लाइक अच्छा मेकअप यूज़ करें, अच्छे ब्रांड्स यूज़ करें, कम यूज़ करें लेकिन अच्छे ब्रांड्स यूज़ करें। हाँ, उसमें आप उनको एक चीज़ बड़ी मज़े की मैं आपको रेमेडी बताती हूँ, वो ये कर सकती हैं कि लाइक जो मस्कारा की बॉटल होती है, कोई खाली बॉटल लो, उसके अंदर आप कैस्टर ऑयल भर दें और वो बच्चियों को कहें कि वो एज मस्कारा लगाएं। वो थिक होता है तो उसकी बड़ी प्यारी कंसिस्टेंसी होती है, लाइक वो जो है जब मस्कारा के तौर पे लगाएंगी तो उनकी लैशेस नेचुरली लंबी भी होंगी और घनी भी होंगी, तो उससे लैशेस भी इनकी बड़ी होंगी लंबी नेचुरली, और वो ये है कि उनके लिए फ़ायदेमंद भी होगा, लाइक उनका कोई नुकसान नहीं होगा। तो दीज आर द टिप्स फॉर द यंग गर्ल्स, और ये मदर्स को ज़रूर करना चाहिए, अपनी बच्चियों को अप्रिशिएट भी करें और साथ साथ उनको फिर बताएं भी कि लाइक मेकअप का हर एज हर टाइम एक होता है जिसपे मेकअप बहुत ज़्यादा जो है, जो गॉडी मेकअप है वो इन्होंने कब वेयर करना है, वो फंक्शंस किन ओकेजन्स पे गॉडी मेकअप यूज़ कर सकती हैं, तो दिस इज़ हाउ। लेकिन बच्चियाँ जो ग्रोइंग एज की स्कूल गर्ल्स होती हैं उनको आप इस टाइप की चीज़ें हल्की फुल्की लेके दे सकती हैं जिससे वो अपना शौक भी पूरा कर लें और वो अच्छी भी लगती हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आज हम बात करेंगे माँ और बेटे के रिलेशन को, माँ और बेटी के रिलेशन को, और लाइक जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, बच्चे तो माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे रहते हैं, बच्चे बूढ़े भी हो जाते हैं तो वो बच्चे ही रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं बात कर रही हूँ ये उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो कि आपके घर में लाइक स्कूल कॉलेज के बच्चे होते हैं, ग्रोइंग एज होती है। समटाइम्स ये होता है कि आपकी जैसे बच्चियाँ, अक्सर होता है कि बेटी एक ही एक बेटी है, तो बच्चियों के साथ माओं की एक अलग अटैचमेंट होती है, वो उनको ज़्यादा पैम्पर करती हैं, उनके साथ
और होना भी चाहिए, क्योंकि माँ और बेटी का रिलेशनशिप ऐसे होना चाहिए कि ताकि बच्ची, ख़ासतौर पे जिनकी एक बेटी होती है, वहाँ पे बच्चियाँ अक्सर लोनली फील करती हैं, उनकी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कमी रह जाती है उनकी लाइफ में। जब बहनों वाला ज़्यादा घर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, बहनों में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, उनको उनके साथ कोप करना आ जाता है, दोस्ती भी होती है, रात के वक्त उनके डिस्कशन टाइम्स भी हो रहे होते हैं, ऐसे ही होना चाहिए बहनों का। लेकिन जब वो एक बच्ची होती है तो उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा खालीपन हो जाता है, और वो बच्ची बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो नहीं डिस्कस कर सकती, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ी झिझकती है, वो अपनी माँ के साथ भी झिझकती है। तो वो बच्चियाँ जो हैं उनके साथ, ये मेरी पर्सनल ग्रूमिंग का एक बहुत बड़ा निचोड़ है कि वो बच्चियों की लाइफ में एक खालीपन रहता है। उसके लिए क्या होता है, माएँ इतना पैम्पर कर रही होती हैं अपनी बच्चियों को, क्योंकि उनको ये फीलिंग होती है कि हमने अपनी बच्चियों का साथ देना है, लेकिन स्टिल टू सम एक्सटेंट वो बच्चियाँ जो हैं कहीं ना कहीं उनके कोई ना कोई ऐसे होती हैं चीज़ें जहाँ पे उनको लगता है कि नहीं, ये मैं शायद अपनी माँ से भी नहीं कह सकूँगी। तो उनको वो कॉन्फिडेंस भी दें, उनके साथ फ्रेंड बन के रहें, और अगर आपको लगता है तो फिर अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को ऐसे उसको इन्वॉल्व करें जो उसकी बच्ची के साथ एज अ काउंसलर, उसकी फ्रेंड की तरह उससे बात कर सके, जो वो बच्ची अपने आप को खोल सके, जो वो माँ से नहीं बात कर सकती वो उसके साथ शेयर कर लें। तो उससे ये होता है कि वो फिर बच्ची की एक पॉजिटिवली काउंसलिंग हो जाती है, क्योंकि अगर नेगेटिव काउंसलिंग होगी, स्कूल में कोई ऐसी फ्रेंड होगी जो उसको गलत मशवरा दे दे, क्योंकि वो भी बच्ची ही होगी, स्कूल की फ्रेंड होगी, कोई जान के नहीं देगी, लेकिन तो वो फिर वो ये होता है कि वो उसका पाथ गलत आ जाएगा। तो इन चीज़ों में अपनी बच्चियों के साथ, समटाइम्स मैंने बहुत सी मदर्स ऐसी भी देखी हैं कि उनकी बेटियां जो हैं वो मेरे से बहुत ओपन अप होती हैं, स्पीक अप करती हैं, मुझे वो बातें बताती हैं जो लाइक उनकी मदर्स कैन नॉट एक्सपेक्ट। और जब मैं उनकी मदर से मिलती हूँ तो वो कहती हैं नहीं, मेरी बेटी तो मुझे सब कुछ बात बताती है। मतलब मदर्स को इतना ज़्यादा श्योर नहीं होना चाहिए कि लाइक उनकी बेटी ने जो उनको कह दिया वही है। देर आर सो मैनी हिडन थिंग्स, जो बच्ची जब ग्रो अप हो रही होती है उसके अंदर और भी बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो समटाइम्स वो नहीं कर सकती है। तो मतलब इसको स्पेस दें, इस बात को स्पेस दें, और कोशिश करें कि लाइक मैंने खुद देखी है कुछ मदर्स होती हैं, बहुत अच्छी मदर्स हैं वो, उनकी मेरी ज़्यादातर पर्सनल ग्रूमिंग की स्टूडेंट्स ही जो हैं वो हैं सिंगल डॉटर्स हैं। तो मेरी ऐसी भी मदर्स हैं जो मुझसे खुद कहती हैं कि आप इसके साथ बात किया करें, इसका डिस्कस किया करें, अगर कोई ऐसी बात हो तो फिर मुझे मतलब बता दिया करें कि हम लोग मिल के उसको कर सकते हैं। तो इतना होना चाहिए, इतनी स्पेस आपको देनी चाहिए, इतनी गुंजाइश रखनी चाहिए कि हो सकता है कि माइट बी कि कोई बात मेरी बेटी स्टिल उसके अंदर जहन में हो। आप कह जितना मर्ज़ी कहती रहें, जितना मर्ज़ी अच्छा, लेकिन एक माँ बेटी का भी तो रिलेशन होता है, एक उसका भी एक हया, उसका लिहाज होता है। समटाइम्स बच्चियाँ इस वजह से भी नहीं डिस्कस करती हैं। तो फ्रेंड ज़रूर बने, लेकिन किसी और को भी इन्वॉल्व रखें अपनी लाइफ में जिस पर आप पूरा ट्रस्ट कर सकती हैं, या कोई काउंसलर आपकी ऐसी हो जो बच्ची के ना हो, बेशक उसको पता हो कि वो काउंसलर है, लेकिन उसके साथ वो उसको अच्छा कोई मशवरा दे सके या वो आपके साथ डिस्कस कर सके। आज जो हमारा थर्ड सेगमेंट है वो है डाइन आउट के बारे में। लाइक इट्स नॉट अबाउट कि आप कहीं बाहर ही जाके डाइन आउट करते हैं, आप अपने घर में भी जो डाइनिंग टेबल है उसके तरीका क्या होना चाहिए। ये पहले तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस किया जाता था कि टेबल के ऊपर हाथ नहीं रखना, आपने जब डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो आपने उसके ऊपर हाथ नहीं रखना, लेकिन अब अक्सर लोगों को ये चीज़ ये भूलते जा रहे हैं लोग, इस ये एक बेसिक मैनर होता है। तो आप कहीं बाहर ख़ासतौर पर डाइन आउट करने जाते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी के साथ जाते हैं, कहीं ऑफिशियल डिनर में जाते हैं, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि टेबल के ऊपर अपने हाथ ना रखें। लाइक हाथ से मुराद है कोहनियाँ, अक्सर जो होते हैं लोग अपने हाथों को फैला लेते हैं, तो वो ना करें। तो टेबल पे हाथ नहीं रखने चाहिए, और जब आप ख़ासतौर पे खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप नैपकिन को अपने कॉलर पे लगाएं, आप उस नैपकिन को सिंपली डाइनिंग टेबल पे थोड़ा सा रख के और अपनी लैप पे भी रख सकते हैं। तो इट्स नॉट कि जो है वो बेबी की तरह आप कॉलर पे ही लगाएं नैपकिन को, वो अब ख़त्म हो गया है। कुछ चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती हैं, वो नहीं इतनी होती। हाँ, लेकिन टेबल मैनर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके हाथ जो है डाइनिंग टेबल पे नहीं होने चाहिए। जो नोटिस करने वाले होते हैं वो इन सब चीज़ों को नोटिस करते हैं। बहुत से लोग इंटरव्यू में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बन के जब जाते हैं तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, टेबल के ऊपर हाथ रख लेते हैं, तो वो आपका एक नेगेटिव पॉइंट होता है।
अगले सेगमेंट में मैं आपको ज़रूर इसी के से रिलेट करके बॉडी लैंग्वेज का बताऊंगी कि बॉडी लैंग्वेज में क्या चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप रीड करके अगले को समझ सकते हैं कि उसको वो क्या सोच रहा है और आपने उसके साथ किस तरह से डील करना है। तो आई होप आपको ये छोटी सी टिप है टेबल मैनर्स की ये पसंद आई होगी, और हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको क्या चीज़ आप मज़ीद सुनना चाहते हैं, किसके बारे में डिस्कशन चाहते हैं। अब हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मा अस्सलामा।